हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तेरी सबसे निराले पल भर में दुखियों का दुख हरने वाली उदी की लीला तेरी सबसे निराले पल भर में दुखियों का दुख हरने वाले निसंतान माओ की कोख जिसने भर दी रोते हुए चेहरों पे मुस्कान धर दी बड़े बड़े रोगों का उदी उपचार है साई लीला साई की लीला को साई ही जाने संसारी लोग कैसे पहचाने की लकीर खींच है जा भगाया सूखे हुए कुओं में पानी भर आया आटे की लकीर खींच है जा भगाया सूखे हुए कुओं में पानी भर आया पानी से साई तूने दीपक जलाए छू करके कोढ़ियों के कोढ़ तू मिटाए लीला तेरी जग में जैसे अमृत की धार है साई लीला साई की लीला तो साई ही जाने संसारी लोग कैसे पहचाने साई लीला अनुपम है अद्भुत अपार है साई लीला सारे सुखों का द्वार है साई लीला साई की लीला तो साई ही जाने संसारी लोग कैसे पहचाने साई की लीला को साई ही जाने संसारी लोग कैसे पहचाने प्रकाश लेके जगमगा रहा ये कौन देव रूप है ये कौन पुण्यवान है
तेज पुंज है। ये कौन शक्तिमान है, करते अभिवादन अल्लाह अकबर करे हर मकदम मस्जिद की मीनारे से हर मकाम उसको अपना कह बुला रहा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश लेके जगमगा रहा। ये कौन देव रूप है, ये कौन पुण्यवान है, पर आने के बाद किस माता के गर्भ में इस दिव्य आत्मा को मानव शरीर का चोला पहनाया गया, फिर उस मानव शरीर ने किस स्थान पर जन्म लिया और वो कौन सा साल था, किस मां की गोद में वो पले बढ़े, किस मां की उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा, किस गुरु ने उन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया या किस पीर ने उन्हें कुरान पाक की आयतें पढ़ाई, इन सब बातों का कोई ठोस या प्रामाणिक सबूत नहीं मिलता। हाँ, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि तमाम संसारियों ने उन्हें पहली बार एक नीम के पेड़ के नीचे समाधि अवस्था में बैठे हुए देखा। वो एक 15-16 साल के तरुण योगी के रूप में दिखाई दिए थे, जिनकी मोहिनी कुछ ऐसी थी कि जंगल के पशु पक्षी सब उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। गायें और बकरियों ने तो उनकी परिक्रमा करना शुरू कर दिया था। ये अद्भुत दृश्य देखकर जंगल में गायें और बकरियां चराने वाले चरवाहे हैरान हो गए। अरे मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं? हमारी गाय इस योगी की परिक्रमा कर रही हैं। और मेरी बकरियां तो चरण स्पर्श कर रही हैं। हमारी गाय भी चरण स्पर्श कर रही है इस योगी की। देखो पेड़ों से झड़कर फूल योगी के चरणों में गिर रहे हैं। चलिए नजदीक चलके पूछते हैं। चलिए सा
मुझे तो संत ज्ञानेश्वर का बाल रूप दिखाई दे रहे हैं। खोलो योगी, हम गांव वाले आपको मिलने आए हैं, हमें अपना परिचय दो। आंखें खोलिए देवता स्वरूप। नहीं खोलेंगे आंखें, क्यों खोलें? हम पापियों को देखने के लिए हैं। साक्षात विष्णु हैं। हमारी शिरडी धन्य हो गई। हे सुंदर स्वरूप, आप हमें बताएं कि आप किस रूप में आए हैं। महालसापति, आप ही जाकर समाधि से जगाइए। पूछिए तो सही, क्यों आए हैं, कहां से आए हैं? आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? हटो, मैं पूछता हूं। लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है। किसी का तो बेटा है, अगर इसकी माँ होती तो कैसे भेजने देती क्या? लेकिन भाईसा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इसे बारिश के पानी से बचा रही हो, बारिश का पानी छान छान कर इसे नहला रही हो, हैं? अरे संतु, इधर आ, इधर आ। अरे जरा कहीं से कोई बड़ा छप्पर लेके आ, हैं? अभी ले जा, जा जल्दी। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? छपरा उतार कर ले जा रहा हूँ। वहाँ वहाँ कहाँ? वहाँ उस योगी के लिए। बिल्कुल नहीं, वैद्य की गाय भीग जाएगी। वहाँ वो योगी भीग रहा है। वैद्य जल्दी आइए, देखिए ये छत लेकर जा रहा है। वैद्य, राम राम, कौन हमारी घर की छत को ले जा रहा है, है? किधर है? अरे अरे, तो यही है। अरे वैद्य जी, इस छत की बात नहीं, वो है? वो गाय के सिर वाली छत। अरे कौन है? ए, अरे रुक रुक वहीं पे, अरे रुक, अरे रुक रुक, कहता हूँ मैं, दूर ये छाता खोल, मैं कहता हूँ छोड़ उसे, छोड़ खोल, अरे पकड़ो पकड़ो उसको, अरे मूर्खो मुझे नहीं, हैं उसको पकड़ो, चलो पकड़ो, ये मेरा तो आज आज फिर पकड़ उसको। अरे संतु, आ जल्दी, आ जल्दी, आ आजा आजा आजा, उस तरफ उस तरफ। राम राम राम, क्यों पाटिल, अपने घर से छप्पर नहीं मंगवा सकते थे? हाँ। हाँ। मेरे ही गाय की सिर की छप्पर तोड़नी थी। हाँ। और ये कौन है? ये योगी है, समाधि में लीन है, इसलिए 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 बेचारी बेजबान गाय को भीगने दो। वो भी जीव है भाई जा भाई, हैं? और यहाँ ऐसे ढोंगी योगी तो आते ही रहते हैं। अरे बैद जी, ये कहीं से आए नहीं, प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए हैं, सुनो वीरू देवू, प्रकट हुए हैं। जय हो जय हो जय हो। बना दे इसको भी भगवान। देखना देखना, चार दिन बाद जिस तरह ये प्रकट हुआ है, उसी तरह किसी के घर को लूट कर यहाँ से गायब हो जाएगा। ए बलवीरो, ले लो उससे। क्या? अरे क्या क्या, समझ में नहीं आता, छपरा ले लो। Thank you.
नींद नहीं आ रही है ना? नहीं। कैसे आएगी? कितना कहा, खाना खा ले, भूखे पेट नींद नहीं आएगी। लेकिन तुम तो, मेरा ध्यान उस योगी पर लगा है, वो बेचारा वहां भूखा है, उसे खाना किसने दिया होगा? मैं खाना बनाती हूँ और उसे देकर आती हूँ। देख, योगी लोग इतनी रात गए भोजन नहीं करते। ठीक है, तुम्हारा मन करता है तो सुबह खाना लेकर चली जाना। मैं योगी को खाना देकर आती हूँ। ठीक है। खाना दो, प्यास लगी है, कोई तो खाना दो, खाना दो। अरे जाना जा, अरे जा जा, चल जा। भूख लगी है, खाना दो, खाना दो बाबा। भाई फिर मैंने उसे क्या डाला? भूख ए, दुरक, दुरक, ए, चल जा जा, चल जा। भूख लगी है बाबा। जाता है कि नहीं? ए माधव, केशव, भार्गव, जल्दी आ, देखो अरे कोड़ी हमारे गांव में घुसा है, भगाओ इसको, वरना ये हम सबको कोड़ी बना देगा। भगाओ भगाओ जल्दी। भागो यहाँ से, पढ़ाई खुद, खबरदार जो भागो जी को सताया। बचाओ माई, ये बच्चे मुझे पत्थर मार रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? भूख लगी है, खाना मांग रहा था, खाना नहीं मिला, पत्थर मिले। तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये लो। लेकिन माई, तुम तो ये खाना किसी और के लिए ले जा रही हो। कोई बात नहीं, मैं फिर से जाकर खाना बना लूंगी। लो। आज मैं खाना छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ, आज मैं खाना खिला कर ही जाऊंगी। हमारी शिरडी की धरती बहुत हरी भरी है, यहाँ आया हुआ कोई खाली पेट सोए या खाली पेट जाए तो अच्छा नहीं। और तू तो जैसे मेरा कोई अपना है, अपने बेटे का मोह हो गया है तेरे साथ। यूं समझ ले तेरी माँ अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। नहीं, नहीं खाएगा, जिद करेगा। ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है, जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। भाई को
बाईजा भाई। योगीराज, हम पर दया करो, अपनी आंखें खोलो, तपस्या से जागो। मेरी पत्नी ने कसम खाई है, वो तब तक नहीं खाएगी जब तक आप खाना नहीं खाओगे। योगीराज, हम आपके लिए भोजन लाए हैं, कृपा करके भोजन कर लो। योगीराज, मेरी विनती सुनिए। योगीराज योगीराज, मेरी विनती सुनिए, अपनी आंखें खोलिए, नहीं तो मैं यही सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। योगीराज मुझे खाना नहीं खिलाओगी? मुझे भूख लगी है माँ। मुझे खाना खिलाओ माँ। क्यों वैद्य जी, आप तो कह रहे थे कि बाईजा बाई अब कभी नहीं उठेगी। राम राम राम, चलो मूर्खों। मैंने खाना खाया माँ। कब खाया? वो तूने उस कोड़ी भागोजी को जो खाना दिया था ना, वो तूने मेरे लिए ही तो बनाया था, सो मैंने खा लिया। झूठ बोलते हो तुम। मैंने तो सुना है तुम्हारा खाना गाय, कुत्ते और पक्षी खा जाते थे। तो उनकी भी तो माँ है, तो उन्होंने खाया तो मैंने खा लिया। मैं भी तो तेरा बेटा हूं। लेकिन माँ, तूने खाना क्यों नहीं खाया? चलो मैं अपने हाथों से खिला देता हूं। मैं
खाना खाओ माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। लक्ष्मी की माँ, इसे कैसे पता कि बाईजा ने खाना इसके लिए बनाया था और उस कोड़ी भागोजी को दे दिया? नाटक नाटक नाटक, राम राम राम, बहुत बड़ा भांड है वो छोकरा। अरे अभी दिन ही कितने हुए हैं उसे यहाँ आके और रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। आज उसने बाईजा बाई को माँ कहा है, कल किसी को बाप बना देगा। बेबी आप बतना, वापी को बाप बनाने वाला है। पहुंच के रख दूंगा। चलो बेटा। बाईजा बाई, बाईजा बाई। अरे ये अचानक क्या हो गया सरपंच जी? उस्मान भाई, हमारे गांव में ये कैसा प्रलय आ गया है? खुदा खैर करे सरपंच जी, आसार तो कयामत जैसे लगते हैं। उस्मान भाई, इनको ठीक तरह संभालना। बाईजा लगता है भगवान हमसे नाराज हो गए। राम राम राम, रास्ता चलते किसी को भी भगवान मानोगे तो भगवान का अनर्थ होगा ही। ओ बैठे, ये भयानक तूफान उस योगी का चमत्कार तो नहीं है? योगी? अरे चुप कर मूर्ख, ये चमत्कार नहीं प्रकोप है, प्रकोप। योगी वहाँ देखता होगा, योगी को हमें बचाना है, उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ जाना चाहिए। अरे पैसा, सारा गांव तहस नहस हो गया है। मैं योगी को बचाऊंगी, मैं अपने बेटे को बचाऊंगी। मैंने कहा कहीं नहीं जाओ। अरे रुको तो सही पैसा, कोई रोको उसको। अरे मूर्ख, हाँ हाँ चलो 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 चलो। नदी में बाढ़ आ गई, पानी नहीं रुका तो पूरा गांव बह जाएगा। प्रभु इस गांव को बचाओ, इस गांव को बचाओ प्रभु। योगी, योगी, रुको बाईजा। कहाँ तुम? योगी, योगी, बाईजा, योगी, रुको, योगी। आप लोग एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हैं? जाइए बचाइए उसे, कोई मदद कीजिए उसकी। योगी राज वो कोड़ी है। बचाओ, मुझे बचाओ। कोड़ी है तो क्या हुआ, है तो एक इंसान ही ना।
योगी! अरे भाईसा देख, उस नदी के किनारे लोगों की भीड़ जमा है। बच्चा। चल भाईसा चल वहाँ, वो नदी के किनारे देख, लोगों की भीड़ जमा है वहाँ। योगी! चल भाईसा, बचाओ! योगी! 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 भाईसा बहन, कोई तो पानी में कूद के उसे बचाओ। बचाओ! मैं नहीं, मुझे क्षमा करो। बचाओ, मुझे बचाओ। वीरू, डूबने दे उसे, डूबने दे। अच्छा है, बहकर वो दूर निकल जाएगा तो इसी बहाने गांव की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। अच्छी इंसानियत दिखा रहे हैं आप लोग, यही सबक सिखाया आपने, यही संस्कार मिले हैं आप लोगों को। एक इंसान डूब रहा है और आप लोग? योगी! बचाओ! योगी! योगी! बचाओ! अरे आप लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? वो कह रहा है, नदी में कूद पड़ा है, उसे बचाओ, उसकी मदद करो, उसकी मदद करो। योगी! योगी! योगी, अरे सत्यानाश हो तेरा, कलमो हो, क्या देख रहे हो? वो बहुत डूब रहा है। आप लोगों को चिंता नहीं उसकी, आप लोगों का कोई नहीं लगता, वो मेरा है, वो मेरा बेटा है, मैं बचाऊंगी इसको। भाईसा, मैं बचाऊंगी। नहीं, मत करो उसकी मदद। नहीं, कोई मत करो। अरे राम राम राम! अरे देखो देखो, अरे अरे इस ढोंगी को भी कोड़ हो जाएगा। राम राम राम! इस गांव में एक कोड़ी था, अब दो दो कोड़ी हो जाएंगे। राम राम! अरे चलो चलो चलो, पीछे पीछे। आप लोग इसके कोड से डरते थे ना, इसकी बीमारी आपको ना लग जाए, इसीलिए किसी ने इसे नहीं बचाया। इस गरीब की घृणा का कारण ये कोड ही है ना, ये देखो। कमाल हो गया, रोगी का कोड़ पूरा ठीक हो गया। ये तो करिश्मा है। इसका पूरा बदन साफ हो गया, इसके गर्दन का भी जख्म चला गया, देखो। हाँ,
जैसे पहले इसे कोड़ था ही नहीं। बाबा मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, अब मुझे कोड़ नहीं है, अब मैं कोड़ी नहीं हूँ। यह योगी का प्रताप है सचमुच, ये तो चमत्कार है। ये तो योगी के भगवान होने का प्रमाण है। या अल्लाह, नहीं, ना मैं देवता हूँ ना भगवान, आप ही की तरह इंसान हूँ मैं। हम सब में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम सब बराबर हैं। हम सब का मालिक वो है। ये ए, चल चल रख, चल क्या क्या कर रहा, चल। योगीराज की जय, 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 योगीराज की जय। प्रभु वाह, इतनी जल्दी सारे रहस्य खोल दिया आपने। जैसी आपकी इच्छा। जा रहा हूं। मां मैं जा रहा हूं, मुझे जाना है। मां जाना है कहां? ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं। मां नहीं नहीं, अरे देवा, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें यही रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा कुछ नहीं रहता मां, इस संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है, ना ये जन्म स्थाई है ना ये मृत्यु, ये आना जाना ही तो संसार की रीत है। नहीं, मैं रीति नहीं जानती, तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम नहीं जानते मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी ममता है, मेरा दिल चाहता है तुम हमेशा मेरे नजरों के सामने रहो, शायद इसलिए कि मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है ना। माँ मैं हूँ आपका बेटा, मैं आपका बेटा हूँ माँ। हाँ, तू अपने आप को बेटा मानता है तो माँ को छोड़कर क्यों जा रहा है? मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ, मैं वचन देता हूँ मैं अवश्य वापस आऊंगा।
अवश्य आऊंगा। अरे ये तो सचमुच आ रहा है, योगी योगी रुको से, वो जा रहा है। कौन? रुको से। कौन जा रहा है? योगी 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 मुझे छोड़ के चला गया योगी। माँ मैं गया नहीं हूं माँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा। अब सा नहीं जा रहा है नूर। हंसा रुको बाईजा, बर्दाश्त करो। योगी 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 आपने मुझे पुकारा माँ। तुम हो कहाँ? मैं यहाँ हूँ माँ। लेकिन तात्या कहाँ है? तात्या? कौन तात्या? मेरा छोटा भाई माँ। अरे लेकिन वो है कहाँ? वो छिप गया है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। तात्या तात्या रखो भाईजान, बेटा हुआ है बेटा। लेकिन नूर भाभी, भाईजान तो ठीक है ना? हाँ। बहुत समय लग गया। हम तो डर गए थे भाईजान, भाईजा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी। लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था, अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। किसने पुकारा? मैं तो अकेला यहाँ इतनी देर से खड़ा हूँ, किसी ने नहीं पुकारा। वो तो अल्लाह जाने, लेकिन जैसे ही कमरे में तात्या की आवाज गूंजी, बच्चा हो गया। कितने इत्मीनान से सो रहा है, कितना खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है ये भाईजा। हमारे बेटे का नाम राम कैसा रहेगा? मेरा तो ये तात्या है। तात्या? भाईजा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी। लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था, अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, जो तुम चाहो, लेकिन हमारा तात्या है भाग्यशाली, है ना? गांव का तो नहीं है, अच्छा हुआ किसी की नजर नहीं पड़ी, कहीं मंदिर के अंदर न चला जाए। चलकर देखते हैं।
देखिए, बुरा मत मानिएगा, हमारे दिलों में आपके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन आप कुछ चाहिए मुझसे? नहीं, बस इस मंदिर से हट जाए तो। यहां से चला जाऊं? नहीं नहीं, ये गांव आप ही का है, लेकिन ये मंदिर है, हमारे भगवान का घर है। भगवान का घर है तो भगवान सबका है, नहीं? आपका है तो क्या मेरा नहीं? बाबा आप समझ नहीं रहे हैं, लोग धर्म के बड़े कट्टर होते हैं। कट्टर नहीं, तंग दिल का हो। भगवान ने तो हर किसी को कोई धर्म देकर नहीं भेजा, सबको एक समान एक इंसान बनाकर धरती पर भेजा है, लेकिन हमने अपने आप को अलग अलग गुटों में बांट लिया, अलग अलग धर्म बना लिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, हम इंसानों ने दिए हैं नाम, जाति, धर्म। हमने तो भगवान के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसी को गिरजाघर में बिठा दिया, किसी को मस्जिद में बिठा दिया, और किसी को मंदिर में। है एक ही, सब जगह वो ही मालिक है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन मैं समझ रहा हूं, तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे भगवान के मंदिर की सीढ़ियों को अपवित्र नहीं करूं। इंसान कैसे बदल जाता है, एक दिन यही मंदिर था, यही तुम थे महालसपति। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर यहां लाए थे ना, याद करो, 10 साल पहले का त्योहार। क्षमा कर दे गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। गुरुदेव, मेरे साईं नाथ, मेरे साईं नाथ। साईं, तो क्या ये तात्या का बड़ा भाई है? बाईजा, तुम्हारा बेटा आया है। क्या कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। कहाँ है? भैया। नहीं, नहीं भैया। बैजी, देखा बाईजा बाई का पागलपन किस हद तक बढ़ गया है? उसे हर जगह अपना बेटा दिखाई देने लगा है।
लेकिन ये साईं साईं क्यों पुकार रही है? अरे साईं का मतलब मालिक, मालिक का मतलब भगवान। भाईजा भाई देख कौन आया है। तुम्हारा बेटा, मेरा गुरु साईनाथ बनकर आया है। प्रणाम नहीं करते, भक्त भगवान को प्रणाम करते हैं। बच्चों के लिए माँ ही भगवान होती है। माँ बेटा, माँ मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बांध के रखूंगी। माँ नहीं बचा भाई, इतने स्वार्थी ना बनो। याद करो महर्षि अवलश ने क्या कहा था। आप सभी पुण्य आत्माएं हैं, विश्व के परम भाग्यशाली लोग हैं आप, जिन्हें ईश्वरी करुणा अवतार का सहवास मिला। इस स्थान को करुणा अवतार ने अपनी कर्म भूमि माना है। साईनाथ अवतारी सत्पुरुष हैं। क्या तुम सिर्फ अपना कल्याण चाहती हो? गांव का, समाज का, दुनिया का कल्याण नहीं चाहती? इन्हें ममता के बंधन में बांध कर रखोगी तो विश्व का कल्याण कौन करेगा? कल के लड़के को भालसापति ने साई बना दिया। साईनाथ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, उस योगी ने ऐसा किया क्या है? सारा शिरडी उसे भगवान मानने लग गया है। ये योगी भिक्षा मांगता तो अपने लिए है, लेकिन खुद नहीं खाता तो दूसरों को बांट देता है। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास
देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि विठ्ठल माझा पंढरीचा विठ्ठल विठ्ठल माझा पंढरीचा विठ्ठल वैजी क्या है अब दवा बनाना छोड़िए छोड़िए क्या दवा बनाना बंद ही कर दीजिए हाँ ना आपको वैद्य बनने की जरूरत है और ना गांव वालों को आपकी दवा की हाँ वो रोगों का बेड़ा पार करने वाला आपके दरवाजे पर आया भिक्षाम देही राम 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 किस लिए और मैं पूछता हूँ किस लिए भिक्षा चाहिए तुझे हाँ बताओ बताओ पेट के लिए क्यों जंगल में पत्ते पौधे खत्म हो गए क्या पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे वैद्य जी फिर दवा किससे बनाएंगे शुद्ध हवा कौन देगा आपको बिना पानी के रह पाओगे पेड़ पौधे इंसान के जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं ये मैं आपको समझाऊं आप तो वैद्य हैं दुनिया के दुख दूर करने के लिए दुनिया को खत्म करने के लिए नहीं सही कह रहा है चुप भिक्षाम देही अरे बुरे वचन बोलता है और भिक्षा मांगता है भाग भाग यहां से याचक की याचना पूरी नहीं करेंगे दगड़ू जो दवा हमारे काम की नहीं है वो इसकी झोली में डाल दे समझा हाँ। भिक्षाम देहि योगीराज मेरे पति को अचानक न जाने क्या हो गया देखिए कैसे सांस ले रहे हैं इन्हें बचा लीजिए योगीराज भैया इन्हें दवा की जरूरत है वैद्य जी के पास ले जाओ हमारे लिए तो आप ही वैद्य हैं, आप ही सब कुछ हैं। कैसे भी इन्हें बचा लीजिए मुझ पर दया कीजिए मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए मैया ये अपने पति को खिला देना अल्लाह तुम्हारे पति का भला करे धुंधु डगड़ू हाँ? अब देखना जो औरत इसके पांव पड़ी थी वही औरत अब इसकी गर्दन पकड़ेगी हाँ और हम उसे पकड़कर मारना शुरू कर देंगे हाँ क्या हुआ इसकी तो सांसें बंद हो गईं। योगीराज
ये तो मर गया वैद्य जी। राम 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 देखो देखो ये क्या हुआ साईनाथ? मेरा पति, मेरा पति। मैया, जो कुछ होता है उसी की मर्जी से होता है, उस पर श्रद्धा रखो और सबर करो। श्रद्धा होगी तो जहर भी जिंदगी बन जाएगा। अरे राम राम राम, क्या भाषण दे रहा है तू? हैं, क्या भाषण दे रहा है? तूने दवा दी और सयाजी राव मर गया। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो दवा नहीं, जहर दिया है तुमने सयाजी राव को, जहर। हाँ, अरे गांव वालों देखो देखो, तुम्हारे झोंगी ने क्या कर दिया, सयाजी राव को मार डाला है। अरे हाँ, ये तो हत्यारा है, हत्यारा। हाँ। राम राम, अरे मूर्खो, देख क्या रहे हो? अरे मारो इसे, मारो, मारो। हाँ, अरे देख क्या रहे हो इसे। आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। क्यों मुझे लज्जित कर रही हो मैया? मैं भी आप सबकी तरह इंसान हूं, भगवान नहीं। माथा टेकना हो तो भगवान के आगे टेको, मेरे नहीं। आप ही हमारे भगवान हैं साईनाथ। सबका मालिक। बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की। वैद्य जी, देखा आपने, शिरडी गांव में आपसे भी बड़े वैद्य आ गए। हैं? और इतने बड़े कि मरे हुए को भी जिंदा कर दें। जय साईनाथ। बोलो साईनाथ की जय। राम राम राम। साईनाथ की जय। बोलो साईनाथ की जय। अरे मूर्ख तगड़ू, तूने गलत पुड़िया दे दी। अरे नहीं वैद्य जी, मैंने तो उसे जहर वाली पुड़िया दी थी। अरे मूर्ख, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने ही चख ली हो। तो सयाजी राव मरा क्यों नहीं? कहीं साई का हाथ लगने से उस जहर का असर खत्म तो नहीं हो गया? अरे चुप। अरे नंदा बेटी, तुम मायके कब आई? नमस्कार करती हूँ बाबा। सदा खुश रहो। नहीं 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 नहीं, मुझे प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो रोज अपनी ससुराल से मुझे प्रणाम करती रही हो और वो प्रणाम मुझ तक पहुंच ही जाता है। और फिर तुम तो माँ बनने वाली हो और माँ पूजनी होती है। माँ के सामने सभी झुकते हैं, माँ किसी के सामने नहीं झुकती। सदा सुखी रहो। बाबा, आज शाम को मैं अपने पति के साथ राहता लौट रही हूँ। नहीं, आज शाम को तुम राहता नहीं जाओगी। परंतु बाबा, तुम सीढ़ी छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, बोल दिया ना? इनका खेत का काम। मैंने बोला ना, कोई कहीं नहीं जाएगा, ना तुम ना हमारा दामाद, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई भी नहीं जाएगा। नंदा, तुम चाहो तो शिरडी में रुक सकती हो, लेकिन मुझे तो आज ही राहता जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, बस। आगे वाले, जरा जल्दी करो। सुनो, तूफान आने से पहले मुझे राहता पहुंचा दो। अरे जरा जल्दी चलो, जल्दी। बाबा, बाबा। आओ नंदा बेटी, दीप जलाओ। बाबा, बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए। तुम दीप जलाकर अंधेरा भगा दो नंदा बेटी। बाबा, इन्होंने आपके आज्ञा का पालन नहीं किया और राधा के लिए निकल गए। आज पता चला है कि जंगल में तूफान आया है।
मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए बाबा, इन्हें बचा लीजिए। नंदा बेटी यदि पूछने मत दो, ये दीप ज्योति हमें प्रकाश देती है लेकिन हवा इसकी दुश्मन बन गई है। अपने दोनों हाथों से इस दीप की रक्षा करो, हवा को रोको, जल्दी करो, दीप को बुझने मत दो, जाओ जल्दी करो। तूफान शांत होने के बाद आगे बढ़ना, नहीं तो आप मुश्किल में फंस जाओगे। इससे तो अच्छा है सीढ़ी वापस चले चलो। नहीं नहीं, अरे मुझे रात आ जाना है, आगे वाले चलो तुम। ठीक है जल्दी चलो। उस दीप की रक्षा करो बाबा, मेरे पति। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। बाबा हाथ मत हटाना, दिए की लौ बुझनी नहीं चाहिए। कैसे पहुंचेंगे आप? घोड़ा आगे जाने से डर रहा है, हमें वापस सीढ़ी जाना होगा। बाबा तो सो गए, मेरे पति की रक्षा कौन करेगा? इन्हें जगाओ। दिए को बुझने मत दो बेटी, दिए को बुझने मत दो। सारे दिए जल रहे हैं, सिर्फ ये एक दिया क्यों फड़फड़ा रहा है? मेरे पति भी तूफान में फंसे हैं और ये दिया भी। बाबा क्या संकेत देना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दीप की रक्षा होगी तो ही मेरे पति की रक्षा होगी? मुझे बाबा के शरण में जाना चाहिए, इस दीप की रक्षा तो बाबा ही कर सकते हैं। दिए को बुझने मत देना बेटी, दिए को बुझने मत देना बेटी। जंगल में जाकर देखना चाहिए हम लोगों को। आपने सुना तो है उन लोगों से जो जंगल से लौटे हैं कि वहां तूफान जैसी स्थिति है। मतलब नंदा का पति लौट रहा है? लेकिन तांगा तो खाली है। साईनाथ बाबा, देवा, साईं बाबा। तुम सभी शोर क्यों मचा रहे हो? क्यों श्यामा? बाबा जिस तांगे से शिरडी का दामाद रहता गया वो तांगा आधे रास्ते से खाली लौट आया। बाबा, साईं बाबा उनकी रक्षा कीजिए। तुम क्यों आई हो यहाँ? दिया छोड़कर क्यों आई तुम? वो दिया बुझने वाला है, दिए को बुझने मत दो, जाओ। भागो, अपनी जान बचाओ, डाकू है, लूटते भी हैं और जान भी ले रहे हैं, भागो। ये तो जिंदा नहीं रहेगा। बाकी सब गांव वाले भाग गए। चलो चलो, चलो। Okay.
मुझे बचाओ। मुझे इसे बचाना होगा। वर्षा तुम? वर्षा नंदा का पति कहाँ है? इसे बचा लो, थोड़ा बहुत इलाज करवा के नासिक अस्पताल में ले जाओ। नंदा, मेरी नंदा कहाँ है? अब उस दिए की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं बेटी। अंतर का आंखों से छलक उठा, कहानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। भावले समर्पण का स्वीकृति की आस लिए, साईं के समीप आया साईं के प्रताप से। साई नाम सुमिरन से, नित के पूजा अर्चन से, मंत्र से न तंत्र से, न ध्यान से न जाप से। सहज प्रकृति साई एक अश्रु पर पसीज गए, क्षमा दान मिल गया रे बालक को बाप से। क्षमा दान मिल गया रे बालक को बाप से। बाबा, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, मेरी जान चली जाती। आप ही ने मेरी रक्षा की है बाबा, आप ही ने मेरी रक्षा की है। आप मालिक हैं बाबा, आप हमारे ईश्वर हैं। मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। इंसान जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है, कभी कभी उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। मर्यादा क्या है? अपने माँ बाप गुरु अपने बुजुर्गों की विनती को उनका आदेश समझकर उसका पालन करना ही, यही तो मर्यादा है। मालिक ने इंसान को दिल से बनाया है, लेकिन मालिक जानता है कि उसका बनाया इंसान उसी का कृतज्ञ होगा। इसलिए मालिक ने इंसान को अपनी मर्यादा में रखा है, और इस मर्यादा का वो इंसान को संकेत भी करता रहता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और जिंदगी, इनकी भी एक मर्यादा है। इंसान जब ये भूल जाता है तब मालिक उसे कई प्रकार के संकेत करते हुए कहता है कि मर्यादा में रहो। जब बारिश होती है, मूसलाधार धुआंधार बारिश होती ही रहती है, मतलब बारिश जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है तब हाहाकार मच जाता है, हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है, सब तहस नहस हो जाता है। जब हवा भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है तब तूफान आता है,
जो इंसान के होठों से उसकी हंसी छीन लेता है। इसलिए हमेशा मर्यादा में रहो। मर्यादा का उल्लंघन करके खतरे को बुलावा मत भेजो। याद रखो, आपके माँ बाप, गुरु, बुजुर्ग जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, आपके हित में ही कहते हैं। उन पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। जैसे नंदा दीदी ने आप पर विश्वास रखा। बेटे, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी रक्षा की। जब पत्नी पति के लिए अपनी तपस्या, अपना पुण्य दांव पर लगाती है, तब यमराज को भी उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है। साईनाथ, देवा, बाबा, आपने एक माँ की पुकार नहीं सुनी बाबा। वही तो मैं मालिक से कहना चाहता हूँ, क्या वो एक माँ की पुकार नहीं सुनेगा? कब से वो बहरा हुआ है शमा, कब से अपने आप को दयालु करुणा कर कहलवाता है, तो कहाँ है उसकी दया, कहाँ है उसकी करुणा? खुद सबकी माँ होते हुए भी वो क्या वो एक माँ का दुख दर्द नहीं समझ सकता? बच्चे की हालत पर माँ तो हर पल आंसू बहाती होगी, फिर भी
दर्शक बन गया है? क्या वो माँ के आंसू नहीं पोछ सकता? वो उस माँ के होठों पर हंसी के फूल कब खिलेंगे माँ सापति? जब बच्चा उछल कूद करता है तो उसे देखकर माँ का दिल भी उछलता है, कूदता है। ये वो कब समझेगा, कब जानेगा, कब उनकी बदनसीबी को खुशनसीबी में बदलेगा? तो आप बदल दीजिए ना बाबा। बेचारे बहुत दूर से आए हैं बाबा, इनकी झोली में खुशियां भर दीजिए बाबा। आप इस बच्चे के माता पिता के आंसू पोछ डालिए बाबा। अब कृपा कीजिए बाबा, अब कृपा कीजिए बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, उसे मेरी झोली में डाल दीजिए बाबा। आप हमसे मुंह मोड़ के मत जाइए, हमारे मारुति बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा। हमें एक फकीर ने बताया था कि शिरडी के साईं बाबा ही हमारे मारुति को ठीक कर सकते हैं। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। बाबा, हमारी हर संतान जन्म लेते ही मर जाती थी, अब सिर्फ यही बचा है बाबा। इसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं, इसकी दीर्घ आयु हो इसलिए हमने हनुमान जी के नाम पर इसका नाम मारुति रखा, लेकिन गर्दन से नीचे का शरीर तो हिलता ही नहीं बाबा, इसे लकुआ मार गया है। अब आप इसे ठीक कर सकते हैं बाबा, इसे ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बचा लीजिए। जय जय सूर्यनायक, जन सुखदायक, जन कपाल भगवंता, ओ द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय सुर धरनी, अद्भुत करनी, मर मन जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करू अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत जो मेरे सपनों में आते थे, यही है। माँ, ये मेरे सपनों में आकर बोलते थे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब मैं ठीक हो जाऊंगा माँ, ये साईं बाबा मुझे ठीक कर देंगे।
फिर मैं चलूंगा, दौड़ूंगा और खेलूंगा। साईनाथ, पापा, पापा, क्या बच्ची भाग गया? वो साई बाबा द्वारिका माई से भी भाग गया। और भागता कैसे नहीं, बोल ना खुल जाते उस ढोंगी की। अरे राम 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 द्वारिका नाथ जी, वो ढोंगी साईं कब तक सच्चाई छुपा के रखेगा? नहीं 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 नहीं, कब तक है? अरे मुर्गे को छुपा के रखने से क्या सूर्योदय नहीं होगा है? सच कहूँ ना द्वारिका नाथ जी, उस अपाहिज बच्चे को मेरे पास लाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसके माँ बाप ले गए उसे उस ढोंगी के पास। अरे साईं बाबा पर पूरी दुनिया विश्वास करती है, आप दोनों पर बिल्कुल नहीं। अरे चुप कर नारायण गधे, कुछ भी बोलता है। बच्ची, बच्चे के माता पिता उसे द्वारिका माई लेकर गए, अरे तभी तो साईं बाबा भागा। हाँ, कायदे से तो हमें बच्चे और उसके माता पिता दोनों का सत्कार करना चाहिए। सत्य है, सत्य है। मैं बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास आता हूँ, लेकिन आप शिरडी छोड़कर भागना मत, बाद में सारी शिरडी आपका सत्कार करेगी। ढोंडू ढोंडू, पहले मैं तेरा सत्कार करता हूँ। मेरा सत्कार जय हो। साईं बाबा के बच्चे, साईं बाबा, बाबा, बाबा रुकिए, बाबा रुक जाइए, बाबा रुक जाइए, बाबा हम पे दया कीजिए, बाबा हम पे कृपा कीजिए, बाबा हम पे कृपा कीजिए, हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए, बाबा हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। मुझे ठीक कर दीजिए ना बाबा, मुझे ठीक कर दीजिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। देखो कितना घमंडी है, ये भोले भाले बेचारे शिरडी वाले इसकी आरती उतार रहे हैं, और ये कमबख्त ढोंगी पीछे मुड़कर देखने तक को तैयार नहीं। अरे राम राम राम, ये ढोंगी मुड़कर देखेगा कैसे, फंस चो गया है बेचारा साई। चुप कर नालायक। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे।
जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे गणेश हरे श्री जय गणेश हरे आरती 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 माँ आरती आरती गणपति का ये देवस्थान जागृत है मानसापति जी गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा अरे बाबा कहाँ गए बाबा कहाँ गए बाबा 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 कहाँ गए साईनाथ की लीला अगाध है वो द्वारिका माई में होंगे सबका मालिक एक साईं की लीला तो